सत्यदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं कमलेश तुली। जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था, आपके लिए फिर एक बहुत सी सुंदर सी कहानी लेकर आई। तो दर्शकों तैयार हो जाइए, आज कहानी है एक बहादुर चूहे की। चूहा अच्छा नहीं लगता था आपको तो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, चूहा बहुत सयाना होता है। तो आज ऐसे ही एक बहादुर चूहे की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। एक थी राजकुमारी, उसका नाम था सुनैना। सुनैना राजा सुखदेव की इकलौती संतान थी। वह बहुत ही सुंदर, सुशील, गुणकारी और गुणवान, और उसको चित्रकला में विशेष आनंद आता था। उसकी विशेष रुचि थी चित्रकला में और वह प्रकृति से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका मन किया, क्यों ना मैं जंगल के दृश्य का एक चित्र बनाऊं। पर वह राजकुमारी चलने फिरने से लाचार थी। वह जन्मजात ही अपंग थी, जन्मजात ही दिव्यांग थी और उसके दोनों पांव खराब थे। उसने अपनी इच्छा अपने पिता राजा सुखदेव से जब जाहिर की, तो राजा ने उसके लिए जंगल में जाने का सारा प्रबंध कर दिया। राजा के सिपाही उसको पालकी में बैठाकर और उसका सारा सामान लेकर जंगल में ले आए थे। राजकुमारी को उन्होंने एक जगह बैठा दिया और उसका सामान भी रख दिया, और वे एक जगह जाकर बैठने लगे। तो राजकुमारी ने कहा, अरे तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? जब तक मैं चित्र बनाती हूँ तुम थोड़ा जंगल में घूम फिराओ। सिपाहियों ने कहा, नहीं राजकुमारी जी, ये जंगल बहुत खतरनाक है, बहुत घना जंगल है। यदि कोई खूंखार जानवर आ गया तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए हम आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। वह अपना चित्र बनाने लगी और चित्र बनाने में व्यस्त हो गई थी। जब वह चित्र बना रही थी तो उस समय जंगल का एक शेर उसी की तरफ भागता हुआ आ रहा था, दहाड़ रहा था, घुर्रा रहा था। तो जंगल के एक चूहे ने जब उसको, शेर को राजकुमारी की ओर जाते देखा, तो वह उसके पीछे लग गया। वह दौड़ता कूदता हुआ उछलकर उस शेर की पीठ पर जाकर बैठ गया और लगा उसको तंग करने। और शेर को जब पीठ पर उसकी आहट हुई तो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरी पीठ पर, और वह झुंझला उठा था। उसने अपनी पीठ को इधर उधर घुमाया, लेकिन चूहा टस से मस नहीं रहा, बल्कि उसको शेर को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जब उसने शेर को बहुत तंग किया और शेर बड़ा परेशान हो गया, तो चूहा झट से छलांग लगाकर उसके सामने नीचे उतरा और फटाफट झाड़ियों में जाके छिप गया। शेर की जब उस पर नज़र पड़ी तो वो गुर्राने लगा, उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। तो कहने लगा, अरे पिद्दी, तुम्हारी ये मजाल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तू मेरे से बच नहीं पाएगा। लेकिन वो शेर के हाथ कहाँ आने वाला था। उसने शेर को उस दिन बहुत परेशान किया, कभी उस झाड़ी में तो कभी उस झाड़ी में जाकर छिप जाता। तो शेर उसे ढूंढता 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 बड़ा परेशान हो गया। जब वह उसके हाथ में नहीं आया तो वो परेशान होके, हार थक के अपनी गुफा की ओर वापस जाने लगा। चूहे ने जब उसको गुफा की ओर वापस जाते देखा तो वह फटाफट झाड़ियों में से निकला और भागता दौड़ता राजकुमारी के पास पहुंच गया। राजकुमारी उस समय अपना चित्र बनाकर उसको निहारने में व्यस्त थी। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको कुछ भी नहीं पता था। तो उस चूहे ने जाकर राजकुमारी से कहा, दीदी दीदी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम अकेली यहाँ क्यों हो? पता है आपके पीछे एक
शेर आ रहा था, यदि वह आपको खा जाता तो। राजकुमारी उसको सुनकर थोड़ा हैरान भी थी और मुस्कुराकर बोली। उसकी सारी बात जब उसने सुनी, चूहे ने जब सारी कहानी सुनाई भी कैसे कैसे मैंने उसको भगाया, तो राजकुमारी ने कहा, अरे बहादुर चूहे, जब तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे डर किस बात का। चूहा अपनी प्रशंसा सुनकर भाग भाग हो गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो फिर वह जब वापस जाने लगा तो राजकुमारी ने उससे रोकते हुए कहा, अरे बहादुर चूहे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ राजमहल में चलोगे? अब तो चूहे के पांव जमीन पर ही नहीं लग रहे थे, वह उछल कर अपनी खुशी जाहिर करने लगा था। राजकुमारी उसको अपने साथ महल में ले आई थी। महल में जब उस चूहे की बहादुरी का राजा ने सुना तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, तो उसने अपना दरबार लगाया। सारे दरबारी आ गए, मंत्री भी आ गए, और उसने कहा, जाओ उस बहादुर चूहे को मेरे पास लेके आओ। अब चूहा तो चूहा ही हुआ, वो डर गया कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। वो डरा सहमा सिपाहियों के साथ दरबार में आ गया था। तो राजा ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, अरे बहादुर चूहे, आज हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई और आज हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? चूहा खुश तो था, लेकिन वह सोचने लगा, मैं क्या मांगूं? वह बहुत समझदार था, उसने सोच कर कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजकुमारी जी की जान बचाना तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। अब राजा तो बहुत प्रभावित हुआ उससे, उसने कहा, ये तो वाकई बहादुर चूहा है। तो उसने कहा, ठीक है फिर भी तुम बता दो। कहता, नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहता, ठीक है तुम भी हमारी एक बात मानो, अब तुम्हें अपने भूख के लिए, भोजन के लिए कहीं दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, अब तुम हमारे साथ महल में ही रहोगे, तुम्हें जो चाहिए होगा, जो पसंद होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। चूहे को और क्या चाहिए था, बहुत खुश हुआ, तो वो राजमहल में रहने लगा। उसके लिए एक अलग जगह का प्रबंध कर दिया और उसके लिए खाना पीना बहुत सारा सामान वहाँ पहुँच जाता था। कुछ दिन तो चूहा बहुत खुश रहा, उसे और क्या चाहिए था, बैठे बिठाए उसको खाना मिल जाता और उसकी पूरी देखभाल होती, लेकिन वह अकेला रह रह कर उदास हो गया था, ऊब गया था, उसे घर की याद आने लगी थी, अपने परिवार की याद आने लगी थी, अपने दोस्तों मित्रों की याद आने लगी थी, लेकिन वह फंस गया था, कैसे निकले, वहाँ तो कोई जगह नहीं थी उसके बाहर जाने की। तो एक दिन क्या हुआ, उसके घर की जब सफाई हो रही थी तो वो दरवाज़ा खुला देखकर वहाँ से चुपके से खिसक गया और दौड़ता भागता उछलता कूदता अपने जंगल में घर में पहुँच गया। तो जब उसके दोस्तों ने परिवार ने ये सब सुना तो वो भी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उसकी चतुर बुद्धि पर गर्व हुआ। तो दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर सुनिएगा, और मैं कमलेश तुली आपसे विदा लेती हूँ और अगली बार फिर आपके लिए एक अजब गजब की कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।